हाय फ्रेंड्स, आज हम दही की कढ़ी बनाएंगे। तो ये देखिए, हम 200 ग्राम बेसन लिए हैं और इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा ही जीरा डालेंगे हम, और ये हींग है। सब इसको मिक्स करेंगे, मिलाएंगे अच्छी तरह से। पानी डाल के अच्छी तरह से हम इसको मिलाते हुए खूब अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे इसको, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इसमें हमारी जो पकौड़ी बनी थी सबसे को अच्छी तरह से आप करिए। देखिए, आठ से दस मिनट तक इसको अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। देखिए कितना अच्छा मिल गया हमारा। ये देखिए बेटर एकदम तैयार है पकौड़ी बनाने के लिए। और ये देखिए, इसका हम अदरक मिर्चा लहसुन इसको हम कूट लेंगे तड़का लगाने के लिए। कढ़ी बनाने से पहले पहले हम तड़का लगाते हैं। ये देखिए ऑयल हम डाल रहे हैं। और इसमें पकौड़ी छोटे छोटे करके डालेंगे। ये देखिए एकदम स्लो आँच पे, ताकि पकौड़ी हमारी अंदर से पक जाए। ऑयल में इतना ही डालेंगे जितनी पकौड़ी हमारी अच्छे से भूजे, और तेल भी ना वेस्ट। देखिए अब इसको हम पलट देंगे। देखते हैं आपकी भी अच्छी तरह से पकौड़ी फूल रही है। ये सॉफ्ट सॉफ्ट बन गई है पकौड़ी। ये देखिए अच्छी तरह से हम इसको पकाएंगे। पकौड़ी हमारी हो गई है। ये देखिए अब इसको हम निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए ऐसे हम साइड पर पकौड़ी जो है तल लेंगे। ये देखिए अब इसमें तड़का लगाते हैं। राई है, मेथी है, और जो हम इसको कैसे का पेस्ट बनाए उसको डालेंगे। ये देखिए और इसमें हम डालेंगे इसको वहाँ से साफ गर्म करेंगे। इसके बाद हम कड़ी पत्ता इसमें डालेंगे। ये देखिए डाल ले देंगे। फिर इसमें हम दो कटे प्याज डालेंगे। अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते नहीं डालें, और प्याज उसके दो काटे हैं। ये देखिए हम इसको अच्छा डाल ले देंगे। इसके बाद हम देखिए 100 ग्राम बेसन लिए, उसमें दो कटोरी हम दही डालेंगे। इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ये देखिए एक कटोरी पहले डाली थी, एक कटोरी ये। ये देखिए दही खट्टी ना हो जाए, और इसमें हल्दी डालेंगे। अभी अच्छे से डालिए ताकि आपका कढ़ी जो है पीला पीला नज़र आए। ये देखिए इसको दही में मैश करेंगे। ये देखिए और इसको हम कढ़ाई में डालेंगे। इसको कढ़ाई में डालते हुए थोड़ा सा इसको हलते भी रहेंगे। और जो गैस का फ्लेम है उसमें किए रहेंगे। इसमें पानी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। आपको ग्रेवी गाढ़ी पसंद हो, पतली पसंद हो, वैसे ही बना सकते हैं। देखिए ये तो हम हमारे घर में 6-7 लोगों के लिए हम बनाए, आप देख सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है पेड़ का। देखिए आप जरूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। ये देखिए नमक भी आप स्वाद अनुसार डाल दीजिए। सर इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। लगातार इसको हम चलाते रहेंगे। ये देखिए हम इसे पकौड़ी भी डाल देंगे। पकौड़ी अच्छी तरह से हमारा फूल जाए। ये देखिए
इसको हम 2-4 मिनट और पकने देंगे। इसको 4 से 5 मिनट पकने दीजिए। ग्रेवी देखिए आपकी धीरे धीरे गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए फिर ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई। देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है, आप देख सकते हैं। देखिए कढ़ी हमारी बनके एकदम तैयार है। इसमें आप थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दीजिए और थोड़ा सा धनिया पत्ती। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। खाने भी बहुत स्वादिष्ट है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।